अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। CS501 के लेक्चर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें मिड टर्म हमने कंप्लीट कर लिया और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आया। तो इसलिए से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी अब फाइनल टर्म की सीरीज़, जिसमें हम लेक्चर नंबर 19 से ऑनवर्ड कवर करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 19 और 20 दो लेक्चर्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों लेक्चर जो है वो पीछे वाले लेक्चर से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 में हमने पाइपलाइन के बारे में डिस्कस किया था, उसी के बारे में हम दोबारा से अब 19 और 20 में भी पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपको शॉर्ट के लिहाज से, क्योंकि जब मिड टर्म इंक्लूड होता था, जब लेक्चर नंबर 22 तक, तो ये इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आया करते थे। तो हो सकता है कि अब फाइनल टर्म में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएँ। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 19 में। सबसे पहले तो हम पाइपलाइंड वर्जन ऑफ द SRC पढ़ेंगे, जिसमें हम 5 स्टेजेस पढ़ेंगे पाइपलाइनिंग की। उसके बाद हम देखेंगे अडेप्टिंग SRC इंस्ट्रक्शन फॉर पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। सारे इंस्ट्रक्शंस के नाम आपको फिर से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में भी याद किए थे, तो आपको थोड़ा बहुत अब उनके इंस्ट्रक्शंस के नाम याद होंगे, उनको देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ कंट्रोल सिग्नल्स देखेंगे। यहाँ पर 5 तरह के मल्टीप्लेक्सर आपको दिए हुए, उन 5 को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको SRC की जो है 5 स्टेजेस जो पाइपलाइन की थी वो कौन कौन सी थी यहाँ पर डिस्कस होनी है, कि जो SRC था वो पाइपलाइन की 5 स्टेजेस को इस्तेमाल करता था, वो कौन कौन सी है। इंस्ट्रक्शन फेच, यानी कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डीकोड होगा, फिर ALU ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसके ऊपर, उसके बाद मेमोरी एक्सेस दी जाएगी, उसके बाद रजिस्टर राइट किया जाएगा। इन 5 को हम पीछे देख चुके हैं और ये दोबारा से आ गए, क्योंकि पिछले लेक्चर में इनको डिटेल में हमने देखा था। तो ये 5 के नाम आपने याद रखने हैं, आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इन पे MCQs भी बन के आता होता है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल इन्होंने दी हुई है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा रजिस्टर क्या चीज़ स्टोर करता है, यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन है, जो इन्होंने नीचे एक डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को समझाई हुई है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, फिर डिकोड हो रहा है, फिर ALU ऑपरेशन है, फिर मेमोरी एक्सेस है, और फिर रजिस्टर राइट हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शन जब फेच हो रहा है तो क्या किस रजिस्टर में जाकर स्टोर होगा, वो यहाँ पे मेंशन है कि आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन फेच, जब इंस्ट्रक्शन फेच होगा तो उसको IR2 के अंदर हम स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे याद रखने हैं कि इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद किस रजिस्टर के अंदर हम स्टोर करेंगे, वो होगा IR2। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नंबर 2, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। ये जो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए, यहाँ से काफ़ी सारे MCQs बनकर आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसको इंक्रीमेंट करने के बाद PC2 में रखा जाता है। PC2 हमें पता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, उसके अंदर इसको रखा जाता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फेच होने के बाद IR2 में स्टोर होती है, उसके बाद जो है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट होने के बाद वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब व्हेन द रजिस्टर वैल्यूज हैव बीन रीड, जब उनकी वैल्यू रीड हो जाती है, तो उसके बाद X3 में उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, और दूसरा रजिस्टर यहाँ पर Y3 दिया हुआ है, इन दोनों में स्टोर होता है। उसके बाद IR3 अब ओप कोड एंड RA को होल्ड करेगा। पहले IR2 में स्टोर हुआ था स्टार्टिंग में, उसके बाद अभी IR3 में जो है वो स्टोर हो गया, यहाँ पे ये होल्ड करेगा इसको। उसके बाद है कि इफ़ इट इज़ अ स्टोर टू अ मेमोरी इंस्ट्रक्शन MD3 लोड टू द रजिस्टर वैल्यू टू बी स्टोर, तो MD3 में जो है वो रजिस्टर को होल्ड करेगा और वैल्यू स्टोर होगी। ये आपने सारे नाम याद रखने हैं, जितने भी रजिस्टर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए। अब यहाँ पर ये पहला था कि इंस्ट्रक्शन फेच हुई हमारी, यहाँ पर जो हमें 5 प्रोसेस दिए हुए ना, इंस्ट्रक्शन फेच, ये उसके बारे में बताया कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन से रजिस्टर के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो रही है। ये MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब जब वो डिकोड होगा तब क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, आफ्टर इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन द ALU में, जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो Z4 अब रिजल्ट को होल्ड करेगा। अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया था ना इन सब को करने के बाद, वो रिजल्ट जाकर Z4 के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, Z4 के अंदर जब वो स्टोर हो जाएगा तो जो ओप कोड होगा, जो RA और ओप कोड था, उनको IR4 की तरफ पास कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देखें IR3 ने रखा हुआ था उनको, यहाँ पे देखें IR3 होल्ड दी ओप कोड एंड RA रजिस्टर का नाम है। ठीक है, रजिस्टर को और जो है ओप कोड को IR3 ने होल्ड किया हुआ था, अब आगे जाकर वो IR4 के पास चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद Z5 ने क्या किया हुआ है, Z5 होल्ड द वैल्यू टू बी स्टोर बैक इनटू द रजिस्टर एंड दी ओप कोड एंड RA आर पास इनटू IR5। IR4 के बाद उन्हें IR5 में जाना है। तो देखिए, सबसे पहले IR3 में गए, फिर IR4 में गए और अब IR5 के अंदर आ गए। ठीक है, उसके बाद देयर आर आल्सो टू सेपरेटेड मेमोरीज एंड सेवरल मल्टीप्लेक्सर इन्वॉल्व इन द पाइपलाइन ऑपरेशन, के अंदर बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर यूज़ होते हैं। इसी लेक्चर के अंदर हम 5 मल्टीप्लेक्सर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको याद रखना है। उसको आप डायग्राम से बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि IR3 है, IR2 से इंस्ट्रक्शन आया, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होकर PC2 में जाकर स्टोर हो गया, उसके बाद आगे डिकोड हुआ तो IR3 के अंदर चला गया, फिर आधे इंस्ट्रक्शन को X3 में रखा, Y3 में रखा, फिर MD3 आया, उसके बाद यहाँ से IR3 से निकालने के बाद उनको IR4 के अंदर भेज दिया गया इंस्ट्रक्शन को, फिर IR5 के अंदर यहाँ पर भेज दिया गया, और फिर Z5 के अंदर। ठीक है,
तो डायग्राम में बिल्कुल वो चीज़ें मेंशन हैं जो यहाँ पर ऊपर आपको नेक्स्ट समझाई हुई है। तो ये वाले जो टॉपिक था ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और ये जो फाइव स्टेजेस हैं ये आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नीचे, हमारे पास जो नेक्स्ट है कि SRC इंस्ट्रक्शंस फॉल इन द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। अब वो तीन कैटेगरीज कौन सी हैं, ये भी अक्सर शॉर्ट में आता है कि SRC इंस्ट्रक्शन की तीन कैटेगरीज कौन सी हैं। सबसे पहले तो ALU इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। इन तीनों के नाम भी आपने याद रखने हैं, आगे इनकी डिटेल भी दी हुई है। ALU इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली फॉर्म, इनकी फॉर्में आपने याद रखनी है किस फॉर्म की तरह के होते हैं। ऑपकोड होता है, फिर RA, RB और RC। RA, RB, RC हमें पता है कि तीन रजिस्टर हैं और यहाँ पर ऑपकोड है। इसके अलावा ये ओपकोड RA, RB और RC की जगह R हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो ये दो तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ALU इंस्ट्रक्शंस को। तो ये भी शॉर्ट में आता है कि ALU इंस्ट्रक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये MCQs में भी आता है, तो आपने याद रखना है कि इस फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि X3 और Y3 जो हमने ऊपर देखे थे वो टेम्परेरी रजिस्टर है, ठीक है। आपने ये भी याद रखना है कि वो टेम्परेरी रजिस्टर है जो पाइपलाइनिंग के दौरान वैल्यूज़ को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए वैल्यूज़ उनके अंदर रखी जाती हैं, तो वो परमानेंट रजिस्टर नहीं है, वो टेम्परेरी रजिस्टर है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद ALU फंक्शन होते हैं वो हम डिकोडिंग ऑफ कोड के, जब हम डिकोड करते हैं तब ALU इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें पता चलते हैं। उसके बाद है जो ALU का रिजल्ट होगा ना वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, वो Z4 के अंदर स्टोर होगा। अभी हमने देखा था ऊपर, वही रिपीट हो रहा है कि ALU का जो ऑपरेशन है वो जाके Z4 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेमोरी एक्सेस में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी ALU इंस्ट्रक्शन की स्टेज पे, जब होगा तो कोई भी मेमोरी के अंदर कोई भी जो है वो एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। उसके बाद यहाँ पर डायग्राम के जरिए भी आपको दिखाया है। दूसरा है लोड एंड स्टोर, इसको किस तरह लिखते हैं, इसमें ओपकोड होता है, RA होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर RB होता है। RB अब देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है और यहाँ पे कांस्टेंट अब पहले आ गया, बस आपने याद रखना है इनको लिखते किस तरह। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देखें, IR2 में लोड हुई, उसके बाद PC में इंक्रीमेंट हुई। PC2 जो है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है उसके अंदर लोड हुई, अभी हमने ऊपर देखा था। ये काफ़ी रजिस्टर वही रिपीट हो रहे हैं, आप इन सारे रजिस्टर को एक साइड पर लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद X3 जो है वो इज लोडेड विद द वैल्यू इन PC2 में, अब जो वैल्यू थी उसके साथ X3 को लोड कर दिया गया है। और फिर S1 ट्रांसफर टू Y3, अब S1 को हम ट्रांसफर कर देंगे Y3 की तरफ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं MCQs के लिए, वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें क्या होता है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन यूजली इन्वॉल्व द कैलकुलेटिंग द टारगेट एड्रेस एंड एवेल्यूटिंग द कंडीशन। उसके बाद जो कंडीशन होती है वो S2 C2 जो हमारे पास है ना, वो भी हमारे पास एक रजिस्टर है उसकी बेस पे होता है। यहाँ पर डायग्राम देखें तो इनने आपको शो करवाया हुआ है, वही इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो MUX नज़र आ रहा है आपको, ये मल्टीप्लेक्सर है, इसको हम अभी आके देखेंगे कि वो क्या होता है। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। PC हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है जिसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होने के बाद स्टोर होती हैं। ये देखें INS4 का मतलब होता है 4 से उसको इंक्रीमेंट कर दो, जब 4 से इंक्रीमेंट होता है तो उसे PC2 में स्टोर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से वैल्यू आई PC में, इनके प्रोग्राम काउंटर में, फिर इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट होने के बाद अब वो जाकर PC2 में जाके स्टोर हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इस तरह से वर्क करती हैं। सो अगर तो कंडीशन ट्रू होती है, इसके अंदर जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो PC इज़ लोडेड विद दी वैल्यू RB उसके अंदर लोड कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर फाइल्स, उन्हें आपको बताई हुई है, RB है, RC है, RA है, ये तीनों रजिस्टर हैं, ठीक है। अगर PC की वैल्यू ट्रू हो जाती है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी ना वो क्या हो जाएगी, PC उसके अंदर RB के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर नहीं होगा, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसमें 4 इंक्रीमेंट होगा और फिर वो PC2 में चली जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इसको। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आई मल्टीप्लेक्सर से गुजरते हुए, यहाँ पर PC काउंटर में पहुँची। अगर तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पर कोई कंडीशन लगी होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर था उसको हम उसके अंदर RB की वैल्यू को लोड करवा देंगे, ठीक है, RB की वैल्यू को हम लोड करवा देंगे। अगर तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, इसमें 4 इंक्रीमेंट हो जाएगा और जाके PC2 में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये एक चीज़ थी समझने वाली। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कंट्रोल सिग्नल्स दिए हुए पाइपलाइन स्टेज के, तो इनको अब आप थोड़ा सा वाकिफ हो गए होंगे क्योंकि पिछले मिड टर्म के लेक्चर्स में भी हमने इनके इंस्ट्रक्शन देखे थे। ब्रांच के लिए BR यूज़ करते हैं हम, फिर हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं, ये आपको वही गिवन है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लेक्सर की बात आ गई है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लेक्सर को MP से ने शो किया हुआ है। यहाँ पे हम 4-5 तरह के मल्टीप्लेक्सर्स को देखेंगे। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स भी हैं डिफरेंट पाइपलाइनिंग स्टेज के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास जो है मल्टीप्लेक्सर 1 है सिग्नल। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास जो PC में इनपुट आती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट इफ़ द ब्रांच एंड कौन सिग्नल आर नॉट एक्टिवेटेड, अगर तो ब्रांच और कौन सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुए, ठीक है, नहीं हुए तो PC की जो वैल्यू होगी वो 4 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर तो वो एक्टिवेट है तो अब क्या होगा कि R1 को हम PC के अंदर कॉपी करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम भी दी होगी, बिल्कुल यहाँ पर देखें आप,
MP1 हमारे पास है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास एक्सक्लेमेशन का साइन है यहाँ पर, ये जो है इसका मतलब है कि नॉट एक्टिवेटेड। अगर तो ब्रांच और ये COND कोड इंस्ट्रक्शन जो है वो दोनों एक्टिवेटेड नहीं है तो क्या होगा, 4 से इंक्रीमेंट कर देंगे, 4 से हम इंस 4 मतलब 4 से उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, हाँ से हम पेन ले लेते हैं, 4 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब क्या है कि अगर तो ये एक्टिवेटेड है, यहाँ इसका मतलब है कोई साइन नहीं तो एक्टिवेटेड है, यहाँ पर ये वाला साइन शो होता है कि वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर तो ब्रांच और CND इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्टिवेट हैं तो फिर हम R1 के अंदर उसको लोड करवा देते हैं। यही बात इन्होंने यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में लिखकर समझाई है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर MP2 है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, इसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, वही साइन दोबारा आ गया, इनकी एक्टिवेट नहीं है। अगर तो स्टोर RC की वैल्यू एक्टिवेट नहीं है तो क्या होगा, RMA स्टोर हो जाएगा। इसको भी हम ऊपर से रीड कर लेते हैं। यूज डिसाइड रजिस्टर रीड फ्रॉम द रजिस्टर, ये डिसाइड करता है कि किस रजिस्टर को रीड करवाना है। ठीक है, अगर तो स्टोर के सिग्नल एक्टिवेटेड हैं तो RB को रीड करेंगे। ठीक है, अगर तो एक्टिवेट नहीं है तो RC को रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, अगर तो एक्टिवेटेड है तो हम RB को करेंगे और एक्टिवेटेड नहीं है तो फिर RC को हम रीड करेंगे। ये आपने छोटी छोटी सी ये पॉइंट्स आपने याद रखने। उसके बाद MP3 है। अब ये क्या करता है, इसका क्या काम है, यूज टू डिसाइड विच रजिस्टर्स आर रीड फ्रॉम द रजिस्टर फाइल फॉर Operand 2। Operand 2 के लिए जो रजिस्टर्स हैं उसमें से किस रजिस्टर को हमने रीड करना है, ये इस चीज़ को डिसाइड करता है। ठीक है, अगर तो RL और ब्रांच दोनों एक्टिवेट हैं तब क्या होगा, PC2 की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी और उसको X3 की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज़ इफ़ DSP जो हमारे पास है, DSP और ALU जो एक्टिवेट होंगे तो फिर क्या होगा, फिर RA की जो वैल्यू होगी फ्रॉम रजिस्टर फाइल उसको हम X3 में ट्रांसफ़र कर देंगे, अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तो एक्टिवेट है हमारे पास ये ब्रांचेस तब हम अपडेट करेंगे, अदरवाइज़ हम अपडेट नहीं करेंगे। आपने बस ये छोटी सी बात इसमें याद रखनी है। आपने मेंशन भी किया हुआ है, ये देखें ब्रांच और ये हमारे पास RL है, अगर तो ये ब्रांच और RL एक्टिवेट हैं, यहाँ पे देखें वो वाला साइन नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ये एक्टिवेट हैं, RL और ब्रांच एक्टिवेट हैं तो PC2 की वैल्यू को अपडेट कर दो, अगर तो DSP और ALU एक्टिवेट हैं तो फिर R1 के अंदर उसको लोड कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लेक्सर MP4। अब ये क्या होता है, यूज टू सेलेक्ट इनपुट फ्रॉम Y3। Y3 से इनपुट को लेने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दी हुई तो यही छोटी सी बात इसके बारे में लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास आखिरी मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर नंबर 5। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सर नंबर 5 का क्या काम होता है, इज़ यूज टू डिसाइड विच वैल्यू इज ट्रांसफर टू बी रिटर्न बैक टू द रजिस्टर फाइल। कौन सी वैल्यू है उसको हम वापस रजिस्टर में बैक करेंगे। अब क्या होगा कि इसमें लोड सिग्नल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, लोड सिग्नल अगर तो एक्टिवेट नहीं है, अभी हमने देखा था कि एक्टिवेट का साइन है, अगर लोड सिग्नल एक्टिवेट नहीं है तो जितना भी जो डाटा था ना मेमोरी से वो Z5 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर इफ़ द लोड सिग्नल इज एक्टिवेटेड, अगर तो एक्टिवेट है तब जो है वो Z5 के अंदर ट्रांसफर होगा, अगर एक्टिवेट नहीं है तो Z4 के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोगों को, साइट पर आप लिख लें ताकि आपको ये याद रहे। वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं इस लेक्चर में, मगर याद करने में आपको आसानी होगी अगर आप लिख लेंगे। तो देखें, लोड एक्टिवेट नहीं है तो Z4 के अंदर, अगर लोड एक्टिवेट है तो Z5 के अंदर डाटा चला जाएगा मेमोरी के अंदर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारे पास पाइपलाइनिंग से रिलेटेड ही है, जिसमें हम रिस्क देखेंगे, पाइपलाइनिंग के अंदर कौन कौन से रिस्क है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए यहाँ पे, हमारे पास RTL की स्ट्रक्चर, RTL फॉर पाइपलाइन स्टेज इंस्ट्रक्शन फेच के लिए क्या, और IR2 है, फिर हमारे पास PC प्रोग्राम काउंटर है, M है, फिर PC2 में क्या होता है, PC+4, यानी कि PC के अंदर 4 की जो है इंक्रीमेंट कर देते हैं M4 को, इसको हम आगे एग्जांपल से भी देखेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड के क्या होता है, X3, Y3, MD3, PC, हमारे पास जो भी हमने पीछे पढ़े थे उनमें क्या हो रहा है, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको इस फॉर्म में दिए हुए। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, ऐड हो रहे हैं R1, R2, R3। R1, R2, R3 हमारे पास क्या 3 रजिस्टर हैं, वो ऐड हो रहे हैं आपस में 200 में। उसके बाद हम 204 में कैसे चले गए, ये हम देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हमारे पास इसमें कुछ साइकिल हैं, पहला साइकिल तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि PC की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है 4 से। ठीक है, पहले वो 200 था और यहाँ पर उसको +4 कर दिया हमने, उसको इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो पाइपलाइन इन द फर्स्ट साइकिल के अंदर ऐड इंस्ट्रक्शन उसके अंदर एंटर हो रहे हैं और PC की वैल्यू को हमने 200 से 204 कर दिया, इनके उसमें 4 का इंक्रीमेंट कर दिया है। उसके बाद सेकंड साइकिल है, सेकंड साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास लोड है, यहाँ पे आप देखें R5, R और R7 लोड हो रहा है। इस इंस्ट्रक्शन में जब ये फेच होगा हमारे पास इस स्टेज के अंदर, तो PC की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब 204 से 208 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लोड हो चुका है, फिर हमने इसको बढ़ा दिया। उसके बाद थर्ड क्लॉक में भी ऐसा ही होगा,
अब लोड इंस्ट्रक्शन जो है वो डीकोड स्टेज में मूव करेंगे और बीआर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के अंदर इंटर करेगी। जब बीआर हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन उसके अंदर इंटर कर देगी तो पीसी की वैल्यू दोबारा से 4 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि 208 थी तो अब 212 हो गई है, ठीक है, वापस इंक्रीमेंट हो गई। इससे से अब देखें स्टोर हो रहा है R5 और 556 में, जो है वो R5 के अंदर 56 को स्टोर करवा रहे हैं, तो क्या होगा आगे दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब 212 था तो 216 हो जाएगा, ठीक है, 4-4 से हम इंक्रीमेंट करते करते इसको 400 तक ले गए। तो ये सारे उन्होंने कहा है कि फिफ्थ साइकिल में क्या हो रहा है, आप देखें 400 से 404, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन ये होते जा रहे हैं इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। ये छोटी सी एक एग्जांपल थी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर हैजर्ड्स का मतलब होता है रिस्क। पाइपलाइनिंग के अंदर तीन तरह के रिस्क होते हैं, ब्रांच हैजर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स होते हैं और डाटा हैजर्ड्स होते हैं। ये पास्ट में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट में 3 मार्क्स का कि हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तीन तरह के होते हैं और कौन कौन से हैं और इनकी जो टाइप्स हैं, इन पर क्वेश्चन ज़रूर आता है आपको हर बार। ब्रांच हैजर्ड क्या होते हैं, द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अ ब्रांच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर और नॉट ब्रांच इज टेकन। इसमें क्या होता है कि ब्रांच जो है वो हो नहीं हो लेकिन ब्रांच हो जाती है, मतलब उसे टेकन करना पड़ता है हमें ब्रांच को, ठीक है, यानी कि द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अ ब्रांच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, उस इंस्ट्रक्शन को हम हमेशा एग्जीक्यूट करते हैं, अगर ब्रांच है तब भी, ब्रांच नहीं है तब भी। इसको कहते हैं कि ब्रांच डिले हो रही है। अब ब्रांच में डिले आ गया क्योंकि उसमें ब्रांच हमारे पास हो सकता है कि हम बीआर ब्रांच को यूज़ नहीं कर रहे अपने किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो उसमें क्या होगा हमारी ब्रांच में डिले आ जाएगा। और उसके बाद नोप इंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ जाएगी, नोप हमने देखा था कि 0 इंस्ट्रक्शन है वो आ जाएगी, और जो ब्रांच की डिले है ना वो हम किसी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास ब्रांच हैजर्ड्स है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स। स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स क्या होते हैं, जब हम एक ही चीज़ को, एक सेम रिसोर्स को डिफरेंट तरह से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक ही वक्त में हम एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीकों से लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे हम स्ट्रक्चरल हैजर्ड कहते हैं। उसके बाद डाटा हैजर्ड्स है। डाटा हैजर्ड तब ऑकर होता है व्हेन इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट टू एक्सेस सेम सम डाटा वैल्यू दैट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड बाय द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। अभी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ने उसको अपडेट नहीं किया लेकिन हमें वो वैल्यू, हम उसको लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं कि डाटा हैजर्ड हो रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन जो हम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भी इंस्ट्रक्शन अपडेट हुई नहीं है, उसमें पुरानी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, तो इसलिए हमें एरर मिल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया 200 और 204 में, देखें ऐड हो रहा है फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो R2 जो है वो क्लॉक 5 में लिखा हुआ है और सब इंस्ट्रक्शन कैन नॉट प्रोसीड बियॉन्ड द स्टेज ऑफ 2, यहाँ पे आप देखें तो ऐड R2, R3 और R4 ये ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है R2 इंक्लूड है, तो यहाँ पे देखें R2 यहाँ पे भी इंक्लूड है। ठीक है, अभी R2 एडिशन के प्रोसेस में है। ठीक है, तो अगर हम उसको सब्ट्रैक्शन में पहले से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो क्या आ जाएगा, डाटा हैजर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो वो ऐड ही नहीं हुआ, यहाँ पे देखें अभी वो ऐड इंस्ट्रक्शन के अंदर वो पड़ा हुआ है, अभी वो ऐड नहीं हुआ, जब तक वो यहाँ से फ्री नहीं होगा हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में वो R2 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हम डाटा हैजर्ड कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। उसके बाद इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है कि डाटा हैजर्ड एंड डिडक्शन एंड करेक्शन, उसकी कैसे करेक्शन करेंगे। डाटा हैजर्ड्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। सो कैसे करेंगे, दे अकर व्हेन द डेस्टिनेशन रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द सेम एज द सोर्स रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। उसके बाद डाटा कैन आल्सो बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हम डाटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं, और काफ़ी सारे टेक्निक्स आपको नीचे ने बताई हुई है कि कैसे कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एरर है, तो इस एरर को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं हम वो देखेंगे। तो हमारे पास डाटा हैजर्ड डिडक्शन, उसको हम आराम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको डिटेक्ट करने के यहाँ पर आपको बताया कि डाटा डिपेंडेंस डिस्टेंस हम कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास डाटा फॉरवर्डिंग की टेक्निक है जिसको हम नीचे देखेंगे, और इसके अलावा कंपाइलर जो है वो खुद भी हैजर्ड्स को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि जितने भी रिस्क होते हैं वो उसको हम कंपाइलर से डिटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाइलर का सलूशन होता है हैजर्ड्स को डिटेक्ट करने का, वो कम्प्लेक्स भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर सलूशन। तो ये MCQ उसके लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अक्सर असल में करेक्शन आपको गिवन है कि जो है वो डाटा जो हैजर्ड्स होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए 2 टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, एक होती है पाइपलाइन स्टाल्स और दूसरी होती है हमारे पास डाटा फॉरवर्डिंग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। सो पाइपलाइन स्टॉल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, तो जितना दिया हुआ है हम उतना ही पढ़ेंगे। पाइपलाइन स्टॉल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमने एग्जांपल से आपको समझाया हुआ है कि देर इज़ अ डाटा हैजर्ड बिटवीन द इंस्ट्रक्शन 3 और 4 के दरमियान में जो है वो डाटा जो है वो हैजर्ड अकर हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R3 यहाँ पर अभी यहाँ पर है, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट होगा, उसके बाद उसको R3 के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। हमने पीछे भी देखा था इस तरह हमारे पास ये एक डाटा हैजर्ड अकर हो रहा है। हमने डाटा हैजर्ड की एग्जांपल पढ़ी थी पीछे कि वो क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बिजी होता है, अभी अपडेट नहीं हुआ होता, हमें आगे उसकी ज़रूरत होती है, हमें R3 के अंदर 32 को स्टोर करवाना है लेकिन R3 अभी शिफ्ट ही नहीं हुआ ऊपर से। ठीक है, तो ये डाटा हैजर्ड है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइपलाइन इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम क्या होता है कि नॉप इंस्ट्रक्शन को प्लेस कर दिया जाता है 2 डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन के दरमियान में, नॉप इंस्ट्रक्शन को प्लेस किया जाता है और उसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई आपकी बुक में,
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लॉजिक बिहाइंड द स्कीम इज़ दैट इफ ऑफ कोड इन स्टेज टू एंड थ्री आर बोथ ए एल यू एंड इफ़ आर ए इन द स्टेज थ्री इज़ द सेम आर थ्री, इसको हम मैं आपको एक पिक्चर से दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर आपको गिवन है, यहाँ जो ऊपर इंस्ट्रक्शन से ये हमारे पास लेटिंग इंस्ट्रक्शन से ये इंस्ट्रक्शन है जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो दरमियान में कुछ इंस्ट्रक्शंस थे अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, ये अभी वेटिंग पर हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस थे इनमें कॉम्प्लिकेशन थी, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने स्टॉल्स एक बबल्स इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पर आपको बबल्स दिख रहे होंगे ब्लू कलर के, इस तरह से बबल्स इंस्टॉल किए जाते हैं पाइपलाइनिंग स्टेज के अंदर, बबल्स ऐड किए जाते हैं और उसके बाद इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपकी बुक में इतना ही गिवन है इसके बारे में। उसके बाद डाटा फॉरवर्डिंग, या डाटा फॉरवर्डिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम डाटा को अवेलेबल करते हैं ALU के लिए, ठीक है। बाय एडिंग द डाटा फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म टू द SRC डाटा पाथ द स्टॉल्स कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड एट लीस्ट फॉर द ALU इंस्ट्रक्शन, के लिए उनको कम्प्लीटली स्टॉल्स को खत्म कर दिया जाता है, ALU इंस्ट्रक्शन के लिए उनको आगे से हटा दिया जाता है, ठीक है। और हैज़र्ड इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टेज बिटवीन 3 एंड 4, यहाँ पर मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि डाटा फॉरवर्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम इनपुट ALU के इनपुट के लिए जगह बनाते हैं, ठीक है, हम उसके लिए प्लेस अवेलेबल करते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने यही चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। उसके बाद यहाँ पर RTL के कुछ डिडक्शन के आपको ये कोड दिए हुए, ये जैसे कि ALU3 है, फिर ALU2 है, एंड का ही साइन है बीच में, फिर RA जो है वो RB के इक्वल है, और उसके अलावा R3 और RB भी हमारे पास, RC2 है हमारे पास, और यहाँ पर भी आपको कुछ डाटा हैजर्ड्स दिए हुए स्टेज 2 और स्टेज 3 के दरमियान में जो डाटा हैजर्ड था उसका RTL डिडक्शन और स्टॉलिंग क्या होगा, और स्टेज 2 और 4 के दरमियान में, स्टेज 2 और 5 के दरमियान में। तो अब यहाँ देखें स्टेज 2 और 3 के दरमियान में ALU3 और ALU2, ALU2 क्योंकि स्टेज 2 है, ALU3 क्योंकि स्टेज 3 है, ठीक है, ये दोनों आगे RA3 और RB2 हमारे पास आगे 3 और 2 के दरमियान में हम लोग कर रहे हैं, तो ये उसका RTL एक्सप्रेशन है, आपने इसको याद रखना है एज इट इज़। पिछले आप मिड के लेक्चर्स में भी आपने RTL एक्सप्रेशन ऐसे याद किए थे, पेपर में इस तरह ये पूछे जाते हैं, इस तरह से उनको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ओप हमारे पास जो OP3 है वो सबका 0-0 की तरफ ही जा रहा है, तो ये देखें ये इनके अंदर सेम है, POS1, POS2, POS1, POS2 ये भी इनके अंदर सेम है, जो डिफरेंट है वो ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको याद करने की कोशिश आप करें, ये वाली लाइन डिफरेंट है, ठीक है, ये वाली हमारे पास लाइन डिफरेंट है और तकरीबन सेम सेम ही है। अगर आप देखें ALU3 है, अब यहाँ पर 4 और 2 के दरमियान में, तो क्या हो जाएगा, ALU4 हो गया और ये 2 हो गया, इस तरह से यहाँ पर 5 और 2 के दरमियान में है, तो यहाँ पर हमने इसको ALU इंस्ट्रक्शंस को 5 और 4 से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद RA5 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 5 था, और RB2 हमारे पास हो गया क्योंकि ये देखें RB2 हमारे पास ऊपर भी सब में सेम था, RA3, RA4 और RA5 हो गए क्योंकि ALU इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बदल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर RA3 और RC2 हमारे पास RA3 फिर RA4 फिर RA5 यहाँ से बिल्कुल वही है, और फिर RC2 है यहाँ पे, RB2 था यहाँ पे, RC2 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन है कि एक्टिवेट नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो ये हमारे पास RTL की इंस्ट्रक्शंस थी, आपने इनको एज इट इज़ याद रखना है। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 19 और 20 के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब हमने डिटेल से डिस्कस की हैं, क्योंकि अब आपका फाइनल टर्म का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, इनके 60% वेटेज होता है फाइनल टर्म का, तो इस वजह से हम थोड़ा डिटेल में चीज़ों को देख रहे हैं। मिड टर्म में तो हमने थोड़ी शॉर्ट चीज़ें की थी, और चीज़ें हम छोड़ते हैं अक्सर पेपर में वही आ जाती हैं, तो इसलिए हम अभी सारे डिटेल में तैयारी करेंगे इस सब्जेक्ट की, ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो। तो लेक्चर नंबर 19 और 20 में ये चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी, साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।